Hello students, welcome to the new session on data structure. In this session, we are going to discuss the concept of linked list. Now, data structure में linked list बहुत important एक data structure है. Linked list is a linear data structure, means ये एक linear data structure है. It means इसमें किसी भी एलिमेंट का नेक्स्ट एलिमेंट और प्रीवियस एलिमेंट जो है फिक्स्ड होगा. एलिमेंट जो है इन सक्सेशन स्टोर होंगे. ईच एलिमेंट इज स्टोर्ड इन ए नोड. जो एक एलिमेंट है लिंक लिस्ट का उसको हम नोड बोलेंगे. और जो लीनियर ऑर्डर मेंटेन करने के लिए इसमें पॉइंटर्स का यूज होता है. लाइक इन एरे वी यूज इंडेक्स टू मेंटेन लीनियर ऑर्डर. लिंक लिस्ट में लीनियर ऑर्डर के लिए हम पॉइंटर यूज करेंगे. लिंक लिस्ट जो है एक डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर है. डायनेमिक मींस इसमें जो साइज है वो हम एडजस्ट कर सकते हैं एट रन टाइम. वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द साइज. ईच एलिमेंट ऑफ लिंक लिस्ट जिसको हम नोड बोलते हैं उसके एटलीस्ट दो पार्ट्स होंगे. लाइक आई एम going to represent here a node. तो इस node के at least minimum of दो parts होंगे. दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं. First part is known as info part and second part is known as next part or the pointer part. जो info part है it stores the data related to that element. मीन्स यहाँ पे कोई भी डेटा हो सकता है. इट कंटेन्स इंटीजर डेटा, इट कंटेन्स फ्लोट डाटा, स्ट्रिंग डाटा और एनी अदर कॉम्प्लेक्स डाटा ऑल्सो. जो नेक्स्ट पार्ट है इट कंटेन्स एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड इन द लिंक लिस्ट. इट इज बेसिकली अ पॉइंटर एंड इट रेफर टू मेमोरी एड्रेस. सो हर एक नोड के दो पार्ट्स तो मिनिमम है, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं. जो लिंक लिस्ट के अंदर लास्ट नोड होगी उसका जो नेक्स्ट पार्ट है दैट विल कंटेन अ नल पॉइंटर. अगर हम सिंगल लिंक लिस्ट की बात करें एंड जो लिंक लिस्ट के अंदर फर्स्ट नोड होगी उसका एड्रेस जो है एक स्पेशल वेरिएबल में हम स्टोर करेंगे एंड दैट वेरिएबल इज नेम्ड एज स्टार्ट, बिगिन और हेड. कोई भी आप नेम दे सकते हैं. You can call it as start, you can call it as begin, or you can call it as head. As we use pointers to maintain the link between different nodes, that's why it is named as link list. अगर हम एक link list के example लें जिसमें पांच nodes हैं तो वो कैसे represent करेंगे, that I will show to you. Suppose हमारे पास पांच nodes हैं. This is first node. This is second node, then third node, fourth node and fifth node. Now, जो ये five nodes हैं they can be anywhere in the memory. I am taking hypothetical addresses. Suppose इसका address memory में 500 है, इसका address 700 है, its address is 900, its address is 400 and address of last node is suppose 850. Now जो first node का address है it is stored in a special variable start. So जो start है हमारा एक pointer variable है and it is pointing to the first node in the linked list. This is how a linked list is represented in memory. Suppose जो हमारा first node है इसका ये info part है and इसका ये next part है. इन्फॉर्मेशन पार्ट में आप कोई भी डेटा स्टोर कर सकते हैं. से इट कंटेन 70, इट कंटेन 40, थर्ड नोड कंटेन 35, फोर्थ नोड कंटेन 86 एंड दिस लास्ट नोड कंटेन 47. तो ये हमारे इन्फॉर्मेशन पार्ट कंप्लीट हो गए. अब जो फर्स्ट नोड का एड्रेस है दैट इज स्टोर्ड इन स्टार्ट. सो अ लिंक इज क्रिएटेड बिटवीन स्टार्ट एंड द फर्स्ट नोड. जो फर्स्ट नोड है इसके आगे ये 40 है एलिमेंट, तो इसका एड्रेस जो है फर्स्ट नोड में स्टोर होगा. सो फर्स्ट नोड इज पॉइंटिंग टू एड्रेस 700 विच स्टोर द 40 एलिमेंट. एंड सिमिलरली जो सेकंड नोड का नेक्स्ट पार्ट है इट विल कंटेन एड्रेस ऑफ थर्ड नोड.
and third node contain address of fourth node, and fourth node contain address of fifth node. Now क्योंकि fifth node हमारी last node है, तो इसका जो next part है, it will contain a null pointer. This type of arrangement of nodes in memory, this is known as one-way linked list. One-way इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि इसमें जो direction है वो लेफ्ट टू राइट मींस फर्स्ट टुवर्ड्स हम लास्ट ही मूव कर सकते हैं, हम लास्ट से फर्स्ट पर नहीं आ सकते. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सिंगुलर लिंक लिस्ट और वन वे लिंक लिस्ट. सो दिस इज हाउ वन वे लिंक लिस्ट इज रिप्रेजेंटेड इन मेमोरी. नाउ वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ लिंक लिस्ट. लिंक लिस्ट की कई टाइप्स हैं, ये मैंने आपको एक बताई है. लिंक लिस्ट में भी वन वे लिंक लिस्ट मे बी अ टू वे लिंक लिस्ट. जो वन वे लिंक लिस्ट है इसको सिंगल लिंक लिस्ट भी बोलते हैं, एंड टू वे लिंक लिस्ट इज ऑल्सो नोन एज डबल लिंक लिस्ट. एंड थर्ड टाइप ऑफ लिंक लिस्ट इज सर्कुलर लिंक लिस्ट. इन शॉर्ट मैं आपको इनका मीनिंग बता देता हूँ, बाकी डिटेल में नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे. तो वन वे लिंक लिस्ट तो आपने देख ही ली, जो स्टार्ट है इट कंटेन एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड, फर्स्ट कंटेन एड्रेस ऑफ सेकेंड एंड सो ऑन. जो लास्ट नोड है इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इट कंटेन्स अ नल पॉइंटर. टू वे लिंक लिस्ट में क्या होता है कि हरेक नोड में एटलीस्ट तीन पार्ट्स होंगे, इन्फो पार्ट, नेक्स्ट पार्ट एंड उसमें एक और पॉइंटर होगा विच इज कॉल्ड प्रीवियस पार्ट. लाइक दिस, दिस इज नेक्स्ट पार्ट, दिस इज इन्फो पार्ट, दिस इज नेक्स्ट पार्ट एंड दिस इज प्रीवियस पार्ट. नाउ जो इन्फो पार्ट है इट विल कंटेन द इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट पार्ट विल कंटेन द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड इन द लिंक लिस्ट. जो नेक्स्ट नोड होगी उसका एड्रेस होगा. सिमिलरली जो प्रीवियस पार्ट है इसमें इससे प्रीवियस नोड का एड्रेस होगा. सपोज हमने अगर इसको डबल लिंक लिस्ट बनाए तो 40 जो नोड है इसके नेक्स्ट में 900 होगा और इसके प्रीवियस में 500 होगा. इसमें हम दो पॉइंटर्स यूज करेंगे, वन इज स्टार्ट विच कंटेन एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड, एंड लास्ट में हम एक एंड पॉइंटर यूज करेंगे विच विल कंटेन द एड्रेस ऑफ लास्ट नोड. तो डबल लिंक लिस्ट में हम दोनों तरफ मूव कर सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट टुवर्ड्स वी कैन गो टुवर्ड्स एंड, एंड सिमिलरली एंड से शुरू करके हम फर्स्ट नोड पे आ सकते हैं. दैट्स व्हाई इट्स नेम्ड एज डबल लिंक लिस्ट. थर्ड जो है सर्कुलर लिंक लिस्ट है. सर्कुलर लिंक लिस्ट इज सेम लाइक वन वे लिंक लिस्ट, ओनली एक्सेप्शन इज दैट इसके जो लास्ट पार्ट में है वो नल नहीं होगा. लास्ट विल कंटेन एड्रेस ऑफ अगेन फर्स्ट नोड, सो दिस विल बिकम लाइक अ सर्कल. सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ सर्कुलर लिंक लिस्ट. सो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ लिंक लिस्ट that we will discuss in successive sessions. Another thing is what type of operations we can apply on linked list. Now अगर हम operations की बात करें तो वो कौन कौन से operation हैं जो linked list पे apply हो सकते हैं. तो first operation is traversing. We can apply traversing operation. Traversing का meaning we have to visit each node of linked list exactly once. During visiting we can apply some sort of processing. हम इसको print भी कर सकते हैं, इसकी information पे कोई अगर और processing करनी है तो वो भी कर सकते हैं. Traversing करने के लिए हम start से शुरू होंगे, move करेंगे towards end अगर हम one way linked list की बात करें तो. Second operation will be searching. Searching means we have to find location of given node. जैसे अगर ये लिंक लिस्ट है तो इसमें अगर मैं कहूँ कि मुझे 35 की लोकेशन चाहिए तो उसके लिए मुझे इस लिंक लिस्ट में सर्चिंग ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा, एंड उसका रिजल्ट क्या आएगा कि 35 इज प्रेजेंट एट लोकेशन 900. सिमिलरली अगर वो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो वी कैन से एलिमेंट जो है इसमें नॉट प्रेजेंट है. सर्चिंग हम आगे दो तरह की करेंगे. वन इज सर्चिंग इन अनसॉर्टेड लिंक लिस्ट, एंड सेकेंड विल बी सर्चिंग इन सॉर्टेड लिंक लिस्ट.
जो लिंक लिस्ट है इसमें ओनली लीनियर सर्च ही अप्लाई होगी, इसमें बाइनरी सर्च अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज इसमें हम पूरी लिंक लिस्ट का मिडल एलिमेंट फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। सो इसमें हमेशा हम लीनियर सर्च ही अप्लाई करेंगे। बट अगर लिंक लिस्ट अनसॉर्टेड है, लाइक इन दिस लिंकेज लिस्ट इज अनसॉर्टेड, एलिमेंट सॉर्टेड नहीं है, तो इसके लिए तो हमें पूरी नोड सर्च करनी पड़ेगी। बट अगर वो लिंक लिस्ट सॉर्टेड है तो हम उसकी एडवांटेज ले सकते हैं, तो इसके हम एल्गो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट ऑपरेशन विल बी इंसर्शन। इंसर्शन मीन्स इफ वी वांट टू ऐड वन मोर नोड इनटू द लिंक लिस्ट। जैसे ये लिंक लिस्ट है, अगर मैंने इसमें अगर एक और नोड ऐड करनी है, देन दैट ऑपरेशन इज नोन एज इंसर्शन। ना जो इंसर्शन ऑपरेशन है लिंक लिस्ट में, वो कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। सपोज आई वांट टू इंसर्ट नोड से 83। नाउ दिस 83 कैन बी इंसर्टेड इन द बिगिनिंग, फ्रंट में हो सकती है इंसर्शन, इट कैन बी इंसर्टेड एट द एंड, और इट कैन बी इंसर्टेड आफ्टर ए गिवन नोड। जैसे अगर मैं कहूँ कि 83 इंसर्ट करो 40 के बाद, तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। तो इंसर्शन करने के लिए ओनली हमें पॉइंटर्स अपडेट करने पड़ेंगे, इसमें कोई शिफ्टिंग नहीं होगी लाइक एरेस। एंड नेक्स्ट ऑपरेशन विल बी डिलीशन ऑफ ए नोड। इंसर्शन की तरह डिलीशन भी हम कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मींस वी कैन डिलीट द फर्स्ट नोड, वी कैन डिलीट द लास्ट नोड, एंड वी कैन आल्सो डिलीट एनी नोड इन बिटवीन। सो ये जो ऑपरेशंस हैं, ये हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन इन द सब्सिक्वेंट सेशंस। अनदर थिंग इज कि जो हम लिंक लिस्ट स्टडी कर रहे हैं, इनकी एप्लीकेशंस क्या है, मींस ये कहाँ पे यूज होगी। तो लिंक लिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर। जितने भी कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर हैं लाइक ट्री, सब्सिक्वेंट सेशंस में करेंगे ट्री, देन ग्राफ, देन स्टैक एंड क्यूज, इन सबकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, इन सबकी प्रोग्रामिंग के लिए वी हैव टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिंक लिस्ट। ग्राफ एंड ट्री नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर हैं, लेकिन उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन होगी उसमें कॉन्सेप्ट जो है मोर और लेस यही यूज होता है। सिमिलरली जो स्टैक एंड क्यूज हैं, स्टैक एंड क्यूज कैन बी मेंटेन्ड विद द हेल्प ऑफ एरेज एज वेल एज विद द हेल्प ऑफ लिंक लिस्ट। स्टैक एंड क्यू को अगर हम एरे की हेल्प से इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो स्टैटिक रहेंगे, बट अगर हम इनको लिंक लिस्ट की हेल्प से करेंगे देन दे विल बी डायनेमिक। दिस कैन ऑल्सो यूज टू रिप्रेजेंट स्पार्स मैट्रिसेस। स्पार्स मैट्रिक्स की एक रिप्रेजेंटेशन में हम लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। इट कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट पॉलिनोमियल्स ऑल्सो, एंड इट कैन बी यूज टू एड वेरी लार्ज नंबर्स। सो दीज आर दी एप्लीकेशंस ऑफ लिंक लिस्ट। इन सब्सिक्वेंट सेशंस हम इनको डिटेल से करेंगे। सो दिस इज एन इंट्रोडक्शन टू लिंक लिस्ट। इसमें हमने डेफिनेशन किया लिंक लिस्ट की, हाउ लिंक लिस्ट इज रिप्रेजेंटेड इन मेमरी, कौन कौन से ऑपरेशन हैं लिंक लिस्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, टाइप ऑफ लिंक लिस्ट की हैं, एंड एप्लीकेशन ऑफ लिंक लिस्ट की हैं। तो इन सब्सिक्वेंट वीडियोस हम इनके जितने भी ऑपरेशन हैं वो वन बाय वन डिटेल में करेंगे। होपफुली आपको ये सारा समझ आ गया होगा। थैंक यू।